हेलो नाइन्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। वी विल स्टार्ट विद टुडे थॉट, दैट इज इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। दैट मींस यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह खुद को जलाओ, तभी हम क्या कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। As you know students, this is fifth part of second lesson of civics, which name is what is democracy, why democracy। तो students, आप मेरी पिछली वीडियो मेरे चैनल पर नाइन्थ क्लास सिविक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। Our new topic is topic number 2.4, broader meanings of democracy। मतलब डेमोक्रेसी का अभी तक हमने काफ़ी कुछ इस लेसन में रीड किया कि डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या क्या है, क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए और क्या है। और अब हम देखेंगे इसका ब्रॉडर मीनिंग, मतलब और भी विस्तार से इसका क्या मीनिंग बनता है डेमोक्रेसी का। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। तो इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा एक लिमिट स्तर पर, सीमित स्तर पर, और एक कहेंगे विवरणात्मक शैली के रूप में कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। जैसे हमने रीड किया था कि राइट टू वोट होना चाहिए सभी के लिए, और जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ देखी। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमने ये भी समझा कि डेमोक्रेसी क्या है, वो एक सरकार का रूप है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव। और ये जो वे था, यानी कि जो अभी हमने पिछले लेसन में, इस पूरे लेसन में हमने देखा कि डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, सभी के वोट की वैल्यू सेम होने चाहिए, सभी को वोट डालने का राइट होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो ये जो वे था डेमोक्रेसी को समझने का, ये हमारी हेल्प करता है कि जो मिनिमल फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की, उनको पहचानने में। मिनिमल मतलब जो न्यूनतम, मतलब जो होनी ही चाहिए, जो कि क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, होनी ही चाहिए, उन फीचर्स को पहचानने में ये हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो मोस्ट कॉमन जो रूप है डेमोक्रेसी का हमारे समय में, यानी कि अब के समय में, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र। मतलब कि प्रतिनिधि क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, ये वो होते हैं स्टूडेंट्स जो जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्शन के द्वारा जो लोग जीतते हैं वो हमारे क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो आगे चलकर क्या करेंगे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेज, और तुमने इस प्रीवियस क्लासेज में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, कि ऐसे देश जहाँ हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है वहाँ पर सभी लोग रूल नहीं करते। ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। एक मेजोरिटी यानी एक ग्रुप है जो कि सभी डिसीजन लेता है, किनकी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से। जैसे कि एक बार इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो लीडर सिलेक्ट हुए, जो जीते, वो क्या बनाए, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो फिर सभी लोगों की तरफ से क्या करेंगे, काम करेंगे। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, बल्कि मेजोरिटी जो है वो डायरेक्ट रूल नहीं करती। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ बात आती है कि मेजोरिटी जो है वो डायरेक्ट रूल नहीं करती, यानी कि देश में जो सभी लोग हैं वो सीधे रूप से रूल नहीं करते, क्योंकि उनकी तरफ से कौन रूल करेगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो जीतेंगे। क्योंकि, और ये इसलिए ज़रूरी है कि देखते हैं आगे हम, दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कोलेक्टिव डिसीजन। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अब की जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि हमारे इंडिया की ही बात लगा लो, कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग बैठकर, इकट्ठे बैठकर कोई डिसीजन ले, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मे बी 1.3 बिलियन
लोगों को एक जगह इकट्ठा बैठाना और सबकी सहमति हो, सब एग्री हो किसी डिसीजन पर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत होगी। और अलग अलग वार्ड बनाकर, जैसे कि गांव में अलग गवर्नमेंट बन रही है, सिटी की अलग, डिस्ट्रिक्ट की अलग, तो वो सब गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने अपने एरिया का वेलफेयर का काम करेंगे। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। अब इसका मतलब है कि अगर ये संभव भी हो, क्या संभव कि सभी लोगों को इकट्ठा बैठाकर कोई डिसीजन करना, किसी बात पर विचार विमर्श करना, अगर ये संभव भी हो तो भी बहुत हर किसी नागरिक के पास इतना टाइम नहीं होगा और इतनी उसकी डिजायर नहीं होगी, कि सभी की सेम डिजायर नहीं हो सकती, सभी की सेम इच्छा नहीं हो सकती और सभी के पास सेम कौशल भी नहीं हो सकता, स्किल यानी कि स्किल्स मतलब ज्ञान, कि इतना नहीं हो सकता लोगों के पास। इसीलिए हम अपना क्या इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो कि मेजोरिटी की तरफ से काम करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम करेंगे और एक ग्रुप ऑफ पीपल बन जाएगा गवर्नमेंट का, जो इलेक्ट होकर आएंगे वो फिर पूरे देश की जनता के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये ज़रूरी है। दिस गिव अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमें क्लियर लेकिन फिर भी न्यूनतम अंडरस्टैंडिंग देता है डेमोक्रेसी की, न्यूनतम कहेंगे यहाँ हम कह सकते हैं, काम चलाऊ भी कह सकते हैं। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज, और ये हमारी हेल्प करता है क्या पता लगाने में, अंतर करने में, किस चीज़ में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में। जैसे कि अभी तक हमने जो भी किया, जैसे कि वोट डालने का राइट होना चाहिए, अब हम इजीली बता सकते हैं कि जहां वोट डालने का राइट सभी लोगों को नहीं है तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर जहां पर लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता गवर्नमेंट के किसी भी काम में तो हम कह सकते हैं वहां डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब हमें इस लेसन को पढ़कर ये तो समझ आ गया, बट ये काफ़ी नहीं है। बट इट डज नॉट अलो अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। लेकिन इन जो फीचर्स से जो अभी तक हमने इस लेसन में रीड की, उन फीचर्स से हमें ये अंतर नहीं पता चलता कि एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी के बीच क्या अंतर है, वो चीज़ हमें यहाँ नहीं पता लगती। इन एग्जाम्पल से, इन फीचर से, इट डज नॉट अलो अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। तो ये हमें क्या नहीं अलो करता, कि हमें गवर्नमेंट से पार सोचने के लिए नहीं दिखाता। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग, और विस्तार से मीनिंग चाहिए, कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है और वोट डालकर सरकार बनाई जा रही है तो हम क्या हैं, डेमोक्रेटिक हैं और हम इससे सेटिस्फाई हैं, हमारे लिए ये काफ़ी है। तो नहीं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्रॉडर मीनिंग चाहिए किस चीज़ का, डेमोक्रेसी का। समटाइम वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। कई बार हम डेमोक्रेसी का यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में, या हम स्कूल में कर सकते हैं, कि किसी भी चीज़ पर अप्लाई हो सकती है डेमोक्रेसी। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स, अब ये स्टेटमेंट्स रीड करते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर ए डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ फैमिली की बात हो रही है, तो फैमिली में आप अपनी फैमिली से भी ये एग्जाम्पल देख सकते हो, फील कर सकते हो कि वी आर ए डेमोक्रेटिक फैमिली, की हम क्या है, लोकतांत्रिक परिवार है, और जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है फैमिली में तो हम सब इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठी सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं, और उसमें मेरा ओपिनियन भी, मतलब फैमिली का मेंबर होने के नाते मेरा या आपका ओपिनियन भी क्या है, इतना ही वैल्यू रखता है जितना कि मेरे फादर का होता है, आपके फादर का होता है, सेम ऐसे। तो आप ये देख सकते हो आपके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट इज, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलो स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स एंड टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो मुझे ऐसा टीचर पसंद नहीं है जो क्लास में
बच्चों को क्या नहीं देता, बोलने और सवाल पूछने की अनुमति नहीं देता, इजाज़त नहीं देता। तो मैं तो एक ऐसा टीचर पसंद करूंगी जो कि क्या होगा, लोकतांत्रिक मानसिकता वाला होगा। यानी कि लोकतांत्रिक मानसिकता में क्या है, सबको इक्वली ट्रीटमेंट करना, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबके पॉइंट की, सबकी सोच की इक्वली वैल्यू रखना। तो ये वो है। तो यहाँ हमने कहाँ फिक्स किया डेमोक्रेसी को, स्कूल में। ओके, थर्ड इज वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। यानी कि अगर डेमोक्रेसी है, मान लो सपोज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बट जो पार्टी जीती है वो पार्टी अपनी ही फैमिली मेंबर से पूछकर या अपने ही जो लीडर हमारा बना है वो अपने आप ही सारे डिसीजन ले रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम वो लोकतांत्रिक वे से सोचेगा, लोकतांत्रिक वे से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। तो लोकतंत्र शब्द का ये जो यूज है, ये फैसले लेने के उस बुनियादी तरीके को उठाता है जो कि होना चाहिए। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि कोई भी डिसीजन डेमोक्रेसी में जो लिया जाता है उसमें उन सब लोगों को इन्वॉल्व करो जो कि इस डिसीजन से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तो उन सब लोगों से क्या किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, एक लंबी बहस की जाए ताकि जो डिसीजन निकले वो बेस्ट निकले। तो ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम वे इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। यानी कि इस विचार विमर्श में सबके पॉइंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कि ऐसे व्यक्ति की भी जो कि क्या नहीं है, पावरफुल नहीं है, उसकी वैल्यू भी सेम, उसका डिसीजन भी सेम उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जितना कि एक पावरफुल बंदे का होगा। तो ऐसा डेमोक्रेसी में होना चाहिए। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो और ये जो चीज़ है ये सब पर अप्लाई हो सकती है, डेमोक्रेसी जो है सब पर अप्लाई हो सकती है, कि किसी भी सरकार पर, फैमिली पर या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन पर। ओके, थस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है वो हमारी लाइफ के किसी भी स्फीयर में क्या हो सकता है, फिट हो सकता है, चाहे वो बात हमारी फैमिली की हो, स्कूल की हो, सोसाइटी की हो या फिर हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि हम क्या समझ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी का क्या समझ रहे हैं, ब्रॉडर मीनिंग। Sometimes we use the word democracy not to describe any exiting government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसका जो यूज है वो हमारी जो अब गवर्नमेंट है उसके लिए करते हैं, बट नहीं, इसका जो उसके लिए या उसके कुछ जो आइडियल हैं, आइडियल स्टैंडर्ड है, कुछ आदर्श हैं सरकार के, उनके लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास भी अभी सरकार को क्या करना चाहिए और भी ज़रूरी है, किनको, जो कि आइडियल स्टैंडर्ड है। अब आइडियल स्टैंडर्ड क्या है वो हम देखेंगे यहाँ, कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो देश में जो ट्रू डेमोक्रेसी होगी, वास्तव में जो डेमोक्रेसी होगी वो तभी होगी जब किसी भी व्यक्ति को भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि सब लोगों को टाइम पर क्या मिलेगा, खाना। तो वो क्या हो सकती है, एक गुड डेमोक्रेसी हो सकती है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, उसका इक्वल रोल होना चाहिए, समान भूमिका होनी चाहिए किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, कोई भी डिसीजन लेना है। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो इसके लिए सिर्फ एक वोट डालने का राइट ही काफ़ी नहीं है, हमें इस वोट डालने के राइट के साथ साथ और भी चीज़ें चाहिए। और क्या चाहिए हमें, कि हमें चाहिए
कि इक्वल इन्फॉर्मेशन, सबके पास समान क्या हो, सूचना हो, बेसिक एजुकेशन सबके पास हो, सबके पास रिसोर्सेज हो और सबके पास पक्की निष्ठा हो कि हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे, हम अपना डिसीजन जो होगा अच्छे से अच्छा लेंगे, तो ये सब जरूरी है। तभी हम किसी देश की को कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, गुड डेमोक्रेसी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे एग्जांपल हैं कि हम इन एग्जांपल से समझ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में तो जो फीचर्स हमने अभी तक पिछले वीडियोज में रीड की वो होनी चाहिए, बट उनके साथ साथ जो लोगों की बेसिक नीड्स है अगर वो पूरी हो रही है किसी देश में और लोकतांत्रिक सरकार है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, गुड डेमोक्रेसी है। ओके, इफ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी। और यदि हम इन आइडियल्स को, ये जो आदर्श अभी हमने पढ़े थे, इनको अगर सीरियसली लें तो हमें पता लगेगा कि ऐसी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, यानी कि जहाँ पर सभी लोगों की बेसिक नीड्स क्या हो, पूरी हो। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो आज की अगर हम इन शासन व्यवस्थाओं को देखें तो हमें पता लगेगा कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू के साथ ही हम उसे हम क्या कह सकते हैं, गुड डेमोक्रेसी। इट अनेबल्स अस टू जज एन एग्जिटिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस। और इस वैल्यू से ही हम ये जज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जो वीकनेस है, अगर हम उन्हें पहचान रहे हैं तो हम ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को पहचान सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। तो ये हमें हेल्प करती है अंतर पता करने में, किस में, मिनिमल डेमोक्रेसी मतलब काम चलाओ डेमोक्रेसी, जिसमें कहने को राइट टू वोट है और इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के द्वारा पार्टी बन रही है और लीडर बन रहे हैं, वो मिनिमल डेमोक्रेसी है। बट अगर लोगों की जो रियल जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर अच्छे से पूरी हो रही है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, गुड डेमोक्रेसी। तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो विलेज लेवल पर हम पंचायत की बात करें या सिटी की बात करें, सीएम की या पीएम की, मतलब सब अगर अपना ऑनेस्टली काम कर रहे हैं और सभी लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है तो वो क्या है, गुड डेमोक्रेसी। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इस किताब में हमने क्या देखा अभी तक, कि हमने डेमोक्रेसी की जो अवधारणा की बातें की है वो ज़्यादा नहीं की है। आर फोकस हेयर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो लोकतंत्र को समझने का जो तरीका था उसमें हमने सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स लिए, यानी कि जो होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, हमने इस लेसन में सिर्फ वो ही पढ़ी है। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आर डेमोक्रेसी। अगले साल तुम और पढ़ोगे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो कैसी है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट्स है और वो किस टाइप से पूरी हो रही है, और इसके साथ हम कैसे डेमोक्रेसी को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको और मूल्यांकन उसका कर सकते हैं, अच्छे से उसको परख सकते हैं, ये हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्पेयर्स ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म। तो यहाँ हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी लाइफ के काफ़ी स्पेयर में फिट बैठती है, जैसे अभी हमने फैमिली के एग्जाम्पल लिए, स्कूल का लिया, सोसाइटी का लिया, तो और इसके बहुत से क्या होते हैं, रूप होते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ए डेमोक्रेटिक मैनर, और बहुत सारे तरीके हैं डेमोक्रेटिक में, तरीके जो लेने के तरीके हैं वो भी बहुत है। एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड, जैसे कि जो कंसल्टेशन वाला जो प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेसी में इक्वल है, मतलब विचार विमर्श करने वाला, कि सभी लोग बैठकर मिलकर विचार विमर्श कर ही क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, कोई भी एक व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेगा डेमोक्रेसी में। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो अब आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी की कॉमन फॉर्म है वो है कि रूल जो होगा वो लोगों के द्वारा, जो चुने गए लोग होंगे, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा।
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि गांव में लोग सरपंच को इलेक्ट करेंगे, अगर हम स्टेट की बात करें तो हम सीएम को इलेक्ट करते हैं, और नेशनल लेवल पर पीएम है, तो ये सब क्या है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर फोर, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम चैप्टर फोर में। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस, लेकिन अगर कम्युनिटी स्मॉल है, मतलब कि कोई एरिया छोटा है, लोग कम हैं, जिसे हम मिनोरिटीज कहते हैं, संख्या में कम हैं, तो वहाँ पर एक और तरीका भी है जिससे कि वो लोकतांत्रिक डिसीजन ले सकते हैं। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे बैठकर डिसीजन ले सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज, जैसे कि गांव में ग्राम सभा को काम करना चाहिए, यानी कि एक गांव में सपोज की कोई रिक्वायरमेंट है तो गांव के सभी लोग मिलकर आपस में डिसीजन लेकर अपना गांव की भलाई के लिए वो काम कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या तुम डिसीजन मेकिंग का कोई और तरीका भी सोच सकते हो? दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, इसका मतलब है कि कोई भी देश क्या है, नहीं है परफेक्ट लोक डेमोक्रेसी, नहीं है मतलब संपूर्ण लोकतंत्र नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेसी, तो इस लेसन में जो हमने डेमोक्रेसी की फीचर्स देखी वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एक न्यूनतम कंडीशन डेमोक्रेसी की, कि हमने जो जो फीचर्स देखी कि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, ये इसको आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाता। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, और सभी डेमोक्रेसी को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा क्या बनाए, डिसीजन मेकिंग बनाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ओपिनियन सुने जाए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखा जाए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, दिस रिक्वायर्स ए कंसेस्ट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक बार के लिए नहीं होती, ये एक लंबी बहस होगी, एक लंबा विचार विमर्श होगा, उसके बाद कोई डिसीजन जो होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। वट वी डू एज सिटीजन कैन मेक ए डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक, हम क्या कर सकते हैं एक देश के नागरिक होने के नाते, हम अपने देश की डेमोक्रेसीज को क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ऑनेस्टली सारा हमारा सिस्टम चल रहा है तो हम उसको बढ़ा रहे हैं, किसको, डेमोक्रेसी को। अगर हम इनफेयर मैनर्स यूज कर रहे हैं, गलत तरीके यूज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेस कर रहे हैं, तो ये हम पर डिपेंड है हम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या है डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस है कि लोग उसको किस वे से देखते हैं और उसको कैसे कर रहे हैं। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन वट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन वट वी एज सिटीजन्स डू, तो जो हमारे देश की जो किस्मत है, फेट मतलब किस्मत या भाग्य जो है वो डिपेंड है किस पर, वो रूलर्स पर डिपेंड नहीं है कि रूलर्स क्या कर रहे हैं, नो वो डिपेंड है कि सिटीजन क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना डिसीजन जो लिया रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का वो सही था, क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके ओपिनियन है वो सही है, अगर वो सही नहीं है तो वो रिमूव करे, यानी कि जो लीडर ये जो गवर्नमेंट बनी है वो अगर अच्छे से नहीं काम कर रही है तो लोगों को चाहिए कि उसको क्या कर दे, उसको नेक्स्ट टाइम रिमूव करे और कोई नई गवर्नमेंट लाए। दिस इज वट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, और यही एक अंतर है डेमोक्रेसी का दूसरी गवर्नमेंट के साथ। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो यही एक था कि डेमोक्रेसी में सभी लोग पार्ट करते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, बट जो और जो गवर्नमेंट के रूप है, जैसे कि मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है या वन पार्टी जैसे चाइना में है,
कम्युनिस्ट पार्टी वही हर बार जीत रही है। तो ये जो गवर्नमेंट के फॉर्म है, गवर्नमेंट के जो रूप है, ये लोगों को नहीं परमिशन देते कि वो किसी भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और ये भी सही है कि ज़्यादातर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो नहीं चाहती कि उनके वहाँ के लोग जो हैं वो उनकी किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में क्या लें, भाग लें, अपने डिसीजन दें। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। दैट इज वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, राजनीतिक भागीदारी जो है, वो सभी लोगों की हो। और ये इसीलिए हमने जो डेमोक्रेसी की जो स्टडी की है वो पूरी तरह से किस चीज़ पर फोकस है उसका, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा यहाँ हमने किया कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए और गुड डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है। और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। और लेसन अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।